हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रियन पर। जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनिमल हस्बेंड्री का एक मेजर टॉपिक है, जो है एनिमल ब्रीडिंग एंड ओस्टर साइकिल। अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि AFO जो आपका एग्ज़ाम है उसमें हर साल कंटिन्यूस इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे अब की बार ही क्या पूछा गया था, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, उसके बाद ओस्टर साइकिल से आपके कई क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को पूरे ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को इसके देखेंगे और जो मेजर पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे वीडियो हैं उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप ये ना सोचें कि जो हमारी टीम है इस पर फोकस नहीं दे रही है, उनका फुल फोकस इसी पर है और हम आपके साथ लगातार इसी तरह जब तक आपका एग्ज़ाम कम्प्लीट नहीं हो जाता है लगातार एग्रियन टीम आपके साथ बनी रहेगी और आपके प्रिपरेशन में, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगी। और आपको जब हम मटेरियल देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो एग्रियन का मटेरियल है वो बेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, तो क्या है डेफिनेशन इसकी, मेटिंग ऑफ गुड क्वालिटी एनिमल टू प्रोड्यूस हाईली प्रोडक्टिव एंड सुटेबल एनिमल्स फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द सब्सक्वेंट जनरेशन एंड टू ऑगमेंट प्रोडक्शन एंड प्रोफिटेबिलिटी इज टर्म्ड एज एनिमल ब्रीडिंग। तो जब हम मेटिंग करवाते हैं किसका, आपकी गुड क्वालिटी एनिमल का, किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, हम जो प्रोडक्टिव हो, अच्छे उत्पादन वाली हो और एनिमल सुटेबल हो, उसके बाद उसमें क्या हो, जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो वो गुड हो, आने वाली जो नई प्रोजेनी डेवलप हो उसमें क्या हो, उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गुड हो, इससे क्या होगा, हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ेगा जो आने वाली प्रोजेनी है और जो हमारी प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के तहत हम एक नई वैरायटी को, नई प्रोजेनी को डेवलप करते हैं जो कि क्या होती है, प्रोडक्शन में अच्छी होती है, जो हमको प्रॉफिट देती है, तथा हम जो इन्फीरियर, जो आपकी इन्फीरियर होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सुपीरियर में डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, प्रोडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो अब दूसरा है मेटिंग सिस्टम। मेटिंग सिस्टम मतलब प्रजनन का तरीका। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आपके, टू टाइप्स होती हैं इनकी। एक होता है आपका नेचुरल मेटिंग और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेचुरल मेटिंग क्या होती है, प्राकृतिक तरीके से किया गया प्रजनन। आप नीचे फिगर में देख रहे हैं ये जो प्रजनन हो रहा है ये नेचुरल मेथड के तरीके से हो रहा है। मतलब जब हम कोई प्रजनन प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम नेचुरल मेटिंग कहते हैं। और सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब मेटिंग हम करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कलेक्ट कर लेते हैं जो सीमेन होता है आपका, सायर का जो मेल होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। किसमें, आप देख रहे होंगे ये ऐसे ही इसमें इंसेमिनेट कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर देते किसमें, फीमेल में। तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये हमारे मेटिंग सिस्टम हो गए, जो नॉर्मली टू टाइप के होते हैं, नेचुरल मेटिंग एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा है सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। तो अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग है वो टू टाइप का होता है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग क्या होता है, जब हम क्रॉस करते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं रिलेटेड एनिमल्स का, मान लीजिए हमने किसका करा दिया है, जो कि मान लीजिए इससे पहले का जो जनरेशन है, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, चार जनरेशन पीछे, उनमें कोई रिलेशन रहा हो, आइदर ग्रैंड डॉटर का, ग्रैंड डॉटर का आप ग्रैंड अंकल से करवा देते हैं या फादर का डॉटर से करवा देते हैं, तो क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है, रिलेटेड। और इसमें क्या होता है, आउटब्रीडिंग मींस अनरिलेटेड, मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा आपका, जो जिससे आप क्रॉस करवा रहे हैं मेल और फीमेल में, जिनमें क्रॉस हो रहा है उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा, उनके ना कोई फादर सेम होंगे, ना मदर सेम होंगे, ना अंकल सेम होंगे, ना सिस्टर होगा, ना ब्रदर होगा, कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, आउटब्रीडिंग होता है। आउट मतलब बाहरी, मतलब कि जिनका कोई रिलेशन ना हो। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने। अब जो आपकी इनब्रीडिंग होती है, आपकी जो इनब्रीडिंग होती है ये मेनली कितने प्रकार की होती है, आपकी टू टाइप की होती है। इनब्रीडिंग जो होती है आपकी टू टाइप की होती है, एक क्या होता है, क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है, दिस इज मोस्ट इंटेंसिव मैथड वेयर एनिमल्स आर वेरी क्लोजली
रिलेटेड एंड कैन ट्रेस्ड बैक टू मोर देन वन कॉमन एंसेस्टर। तो मतलब ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जिनमें जिसमें क्रॉस होता है वो बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इनको ट्रेस कर दिए किया जा सकता है इनके एक या एक से अधिक इनके कॉमन जो पूर्वज होंगे। जैसे आपका फादर को डॉटर से करवा देते हैं तो ये आपका क्या है, क्लोज ब्रीडिंग है। आपका जब फादर को डॉटर से करवा देते हैं तो ये क्या होता है, क्लोज ब्रीडिंग हो जाता है। आप सेकेंड क्या है, मेटिंग एनिमल्स लाइन ब्रीडिंग है आपका सेकेंड, सॉरी। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेटिंग एनिमल्स डेट आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वन कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये बहुत पास नहीं रिलेटेड होते हैं, इनका रिलेशन बहुत दूर का होता है। जैसे अपने में होता है रिलेशन कि पास के रिलेशन वाले, दूर के रिलेशन वाले, अपने माता पिता बाबा, ये आपका जो क्या है ये क्लोज रिलेशन है। और जो आपका डिस्टेंटली रिलेशन होगा वो क्या होगा, दूर के रिश्तेदार होंगे, बुआ फूफा, ये सब जो आपका रिलेशन है। तो उसी तरीके से ये जो है ये लाइन ब्रीडिंग है। तो ये क्या करता है, ये जेनेटिक प्योरिटी को इंक्रीज करता है प्रोजेनी जनरेशन में। इसमें क्या हो सकता है, कजिन जो आपके कजिन ग्रांड पेरेंट है उनका ग्रांड ऑफ स्प्रिंग से, तो ये इसमें लाइन ब्रीडिंग होता है वो। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था आउटब्रीडिंग क्या होता है, जब मेटिंग होता है, जब प्रजनन करवाया जाता है दो ब्रीड में जो कि अनरिलेटेड रिलेटेड होती हैं, अपने आप में रिलेटेड नहीं होती हैं, तो ऐसी क्या होती है, ऐसी ब्रीडिंग को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग कहते हैं। अब ये भी डिफरेंट टाइप में बटा हुआ है आपका, मेनली 5 टाइप का होता है आउटब्रीडिंग। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, आउटक्रॉसिंग। अब आउटक्रॉसिंग क्या होता है, जब हम मेटिंग करवाते हैं किसमें, अनरिलेटेड एनिमल में, जो कि ब्रीड जब देखा जाए उसका तो ब्रीड सेम होगा और एनिमल क्या होगा, अनरिलेटेड होगा। और ये जो आउटब्रीडिंग की मेथड होती हैं उनमें क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपका, इससे सिंपल कोई नहीं है आउटब्रीडिंग में। और इसमें सेम ब्रीड होता है और क्या होता है, अनरिलेटेड होता है आपस में। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं आउटब्रीडिंग के। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, प्रजनन करवाते हैं आपका प्योर ब्रीड का किससे, एक डिस्क्रिप्टिव ब्रीड जो होता है, प्योर ब्रीड का जो डिस्क्रिप्टिव ब्रीड होता है उसका किससे, लोकल फीमेल से। कब, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चार जनरेशन, लगातार हम करवाते रहते हैं उससे, जब तक हम क्या नहीं कर लेते, जब तक हमारा वो 99.9% प्योरिटी नहीं आ जाती है किसकी, प्योर ब्रीड की उसके अंतर्गत। और वो अगर माना जाता है कि जब हम ग्रेडिंग अप करते हैं तो नियर अबाउट 7 to 8 जनरेशन पर वो क्या होता है, प्योर ब्रीड में लोकल फीमेल जो होगी वो प्योर ब्रीड में डेवलप हो जाएगी आपकी। कहीं कहीं अगर आप ऑप्शन में देखते होंगे तो 5 to 6 जनरेशन भी आता है, तो 5 to 6 जनरेशन भी सही है और 7-8 जनरेशन भी सही है, लेकिन बेस्ट जो आपका है वो 7 or 8 जनरेशन पर आकर वो बेस्ट हो जाता है आपका। जो हमारा थर्ड पार्ट है आपका आउटब्रीडिंग का वो क्या है, टॉप क्रॉसिंग। अब टॉप क्रॉसिंग क्या होती है, टॉप क्रॉसिंग क्या होती है, ये भी आपका ग्रेडिंग अप की तरीके से होता है। किसकी तरीके से होता है, ग्रेडिंग अप की तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें 7 to 8 जनरेशन तक जाते हैं लेकिन इसमें सिर्फ 1 जनरेशन तक हम जाते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें भी मेटिंग होता है किसका, जो आपका प्योर ब्रीड मेल होगा किससे, अनरिलेटेड फीमेल से होगा, लेकिन ओनली 1 जनरेशन होगा। और ग्रेडिंग अप में क्या होता है, 7 to 8 जनरेशन तक होता है, यही फ़र्क होता है आपका टॉप क्रॉसिंग और आपका ग्रेडिंग अप में। चलिए हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग ये भी आउट ब्रीडिंग का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, मेटिंग होता है एनिमल में जो कि डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं, स्पीसीज उनकी सेम होगी, आपकी जो स्पीसीज है वो सेम है बट जो ब्रीड है उनकी वो क्या है, डिफरेंट है। और इससे जो ऑब्टेन होता है जो प्रोजेनी उसको क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीड कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या है, करण स्विस है, जर्सिंद है, जर्सी और सिंधी, फ्रिजवाल है, उसके बाद हिसार डेल है, सिपकी आपकी एवी कैलिन है, अवी वस्त्रा है, ये सब आपकी क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा डेवलप की गई हैं। उसके बाद ये जो क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है आपकी, ये 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट क्या है, क्रिस क्रॉसिंग। ये अब की बार आपके FO एग्जाम में पूछा गया था कि क्रिस क्रॉसिंग की क्या है, या इसकी सीधा डेफिनेशन दिया था इसकी, कि वैन टू ब्रीड्स आर क्रॉस अल्टरनेटिवली नोन एज,
कि उसको क्या कहते हैं, तो क्या था वो, उसका आंसर क्रिस क्रॉसिंग। इसीलिए ये जो आपका चैप्टर है या जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दो ब्रीड क्रॉस करवाई जाती हैं अल्टरनेटिवली तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉसिंग। अब सेकंड क्या आता है इसमें क्रॉस ब्रीडिंग में, ट्रिपल क्रॉसिंग। अब ट्रिपल क्रॉसिंग, जो ट्रिपल क्रॉसिंग होता है आपका, इसमें आपके पास क्या होंगे, थ्री ब्रीड्स होंगे। कितने होंगे, थ्री ब्रीड्स होंगे आपके, जो कि क्या होंगे, क्रॉस्ड होंगे रोटेशनली, रोटेशनल मैनर में, पहले एक फिर उससे दूसरा फिर तीसरा, ऐसे मतलब जो तीनों हैं वो किस मैनर में होंगे, रोटेशनल मैनर में जब आपके क्रॉस होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल क्रॉसिंग। और ट्रिपल क्रॉसिंग जो होती है आपकी, इसको और क्या कहा जाता है, रोटेशनल क्रॉसिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके चलते हैं जो इसका पार्ट है क्रॉस ब्रीडिंग का, बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग आप लोगों ने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि बैक क्रॉसिंग क्या होता है। इसमें क्या क्या किया जाता है, आपका जो प्रोजनी होती है उसका जो प्योर पेरेंट होते हैं उनसे मेटिंग कराई जाती है। तो इसमें ये मायने नहीं रखता कि हम मेल पेरेंट्स से करवा रहे हैं कि फीमेल पेरेंट्स से, हमको किसी ना किसी से करवाना है दोनों में से। हमने दोनों में से किसी से भी अगर करवा दिया तो हमारा क्या हो गया, वो बैक क्रॉसिंग हो गया। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा जो एट लास्ट है, आखिरी फिफ्थ, वो क्या है, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसी के साथ जुड़े, अगर वो स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन है मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज, कोई चीज़ जो उसके आगे जुड़ा हो मतलब वो टू डिफरेंट चीज़ से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला क्या है इसका मतलब स्पीसी हाइब्रिडाइजेशन का, कि मेटिंग, किसमें मेटिंग करवाना है एनिमल में, वो भी टू डिफरेंट स्पीसीज के। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक हॉर्स है दूसरा डंकी है आपका, ये क्या है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज के हैं आपके, और इनको क्रॉस करवा के हमने क्या डेवलप कर दिया, म्यूल। म्यूल क्या होता है, क्रॉस किसका होता है, मेयर इनटू जैक, और इसका जो दूसरा होता है हिनी। हिनी क्या होता है, स्टेलियन और जेनेट। और आपका जो स्टेलियन होता है क्या होता है, मेल हॉर्स होता है, और जेनेट क्या होता है, फीमेल डंकी होता है। और जो आपका म्यूल होता है, म्यूल जो है आपका वो क्या है, मेयर मतलब फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। और एक और होता है इसमें पिन न्यू, जो इस ये क्रॉस होता है किसका होता है आपका, कैटल और याक का। ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद जो ये मेथड है आउटब्रीडिंग का, सबसे एक्सटेंसिव मेथड है, या एक्सटेंसिव आप फॉर्म कह सकते हैं स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन का। तो हमारा यहाँ पर आपका जो सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग था कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रस साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल होती क्या है। तो कई तरीके के ऑस्ट्रस साइकिल के अंतर्गत रिथमिक कई तरीके के चेंज आ जाते हैं, किसमें, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किसका, फीमेल का। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसके अंतर्गत कई तरीके के चेंज आ जाते हैं। वो कब आते हैं, एक स्टेस फेज से दूसरे स्टेस फेज में, जब मतलब ये कई पार्टों में होता है, जैसे फोर पार्टों में होता है, तो एक स्टेस फेज से दूसरे स्टेस फेज में कई तरीके के रिप्रोडक्टिव चेंज जो आ जाते हैं फीमेल्स में, वही क्या होती है, ऑस्ट्रस साइकिल होती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो काऊ की ऑस्ट्रस साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, आपकी 21 दिन की होती है। उसके बाद जो आपका आपका जो सिप होता है उसकी कितने दिन की ऑस्ट्रस साइकिल होती है, 17 डेज की होती है। उसके बाद जो आपका मेयर होता है मतलब हॉर्स की जो फीमेल होती है, उसका कितना होता है, 21 डेज। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले इनके पार्टों में पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल कितने फेज में डिवाइड है। तो ये मेनली फोर पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम कैसे बता सकते हैं, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब पी, पहले मतलब प्रोस्ट्रम, फिर दूसरा ओ मतलब ओस्ट्रम, एम मतलब मेटास्ट्रम और डी मतलब डाइस्ट्रम। तो हम पहले देखते हैं प्रोस्ट्रम क्या होता है। तो प्रोस्ट्रम के अंतर्गत क्या होता है, ये शो करता है कि एनिमल जो है अब हीट में आने वाला है प्रोस्ट्रम के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करती है, ये हेल्प करती है आपका, पोषण प्रदान करती है, ओवम में जो फ्लूड होता है जो कि एक तरीके का हार्मोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल में पाया जाता है एस्ट्रोजन। आपको पता होगा एस्ट्रोजन किसका होता है, फीमेल का होता है।
और जो टेस्टोजेन होता है वो मेल में पाया जाता है। दूसरा फेज है हमारा ओस्ट्रम। ओस्ट्रम कितने दिन का होता है? एक दिन का ओस्ट्रम होता है आपका। और ये कौन सा स्टेज होता है? जब फीमेल आपकी रेडी होती है किसको? मेल को रिसीव करने के लिए। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ डिज़ायर, मतलब कि जो क्रॉसिंग की मेन, जो ब्रीड में क्रॉसिंग की मेन प्रोसेस होती है वो इसी समय होती है ओस्ट्रम में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमारा है मेट ऑस्ट्रम। मेट ऑस्ट्रम जो कि कितने दिन का होता है? 4 डेज का होता है आपका। और इसमें क्या होता है? जो एम्ब्रॉय होता है उसका इम्प्लांटेशन टेक प्लेस कर लेता है। किसमें? कॉर्पस लूटियम में। और ये क्या होता है? यहाँ आकर जो आपका जो ग्रेफियन फोलिकल्स जो आपका शुरू में ग्रोथ कर रहा था वो यहाँ पर ग्रोथ उसकी रुक जाती है। किसमें? मेट ऑस्ट्रम में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज क्या है? डायस्ट्रम। डायस्ट्रम कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। और ये जो होता है सबसे बड़ा फेज होता है किसमें? आपका ऑस्ट्रस साइकिल में। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें फिर क्या होता है? फर्दर जो होता है डेवलपमेंट होने लगता है यूट्रस का, जो उसमें टेक प्लेस लिया रहता है। उसके बाद अगर कॉन्सीव्ड नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपका जो आपकी फीमेल है उसने कंसीव्ड नहीं किया है, तो इनोवुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो यूट्रस में ले लेती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ही ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है या लॉन्गेस्ट फेज है आपका ऑस्ट्रस साइकिल का। ओके, अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन रेट कि 1 मिनट में कितना रिस्पायरेशन रेट लेती है आपके हमारी जो एनिमल हैं लाइक काऊ, बफेलो, गोट, सिप एंड पिग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो आपका काऊ है इसका क्या रिस्पायरेशन रेट है पर मिनट पे? 22-25। उसके बाद जो आपका बफेलो है, बफेलो कितना होता है? 15-20। गोट 20-30। सिप 20-30। और जो आपका पिग है वो 10-20 रिस्पायरेशन रेट पर मिनट लेता है। तो ये हमारे आज का हमारा टॉपिक था, ये हमने सभी कवर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एट लास्ट आपको जो पीडीएफ है हमारी इस टॉपिक की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ये दोनों नंबर हैं। उसके बाद हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका लगातार सहयोग बनाए रहने के लिए हम लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।